हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आपको अपना चैनल मानक चौधरी। तो भाई आप क्या बताऊँ कि कल आपना भी देख लियो ये वीडियो में चोट लग गई शोल्डर में, क्योंकि पूरा इंजर्ड हुआ पड़ा है। वो रात के टाइम ही जाया गया, मैं फिर प्लास्टर खिंचवा के आया मैं डॉक्टर पे। तो मैं आप जैसे कि बता दूँ कि मेरे पहले भी चोट लग चुकी है। अब से 7-8 साल पहले मेरे शोल्डर डिसलोकेट हो गए। ठीक है, दर्द या मैं रह भी है थोड़ो 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 थोड़ो, जितना भी अपना थोड़ा बहुत दर्द रह भी है, पर अब थोड़ो ज़्यादा दर्द हो रहा है। सिर में दर्द दर्द मतलब मूड खराब इस चीज़ ले गए कि अब ये मैं यहाँ जंक फूड चैलेंज कर रहा हूँ, कैसे कंप्लीट होगा, मैं एक्सरसाइज पूरी नहीं हो पाएगी। पर फिर भी थोड़ो थोड़ो जैसे भी होके अपना करेंगे। ठीक है, ज़्यादा ना अपना कार्डियो में रनिंग वनिंग करके थाई को वर्कआउट डालेंगे, पर छोड़ना हो या 10-12 दिन रह रहे हैं, 10-12 दिन के पीछे अपना छोड़ दे। और जो कि मैंने यू इन और मैंने करो भी किसको है, मैं तुम्हें बात बताऊँ, देखो वापस शायद बताना हो कि मैंने करो भी हूँ उनके लिए है, जो ये कहते हैं ना भाई हम जंक फूड खाते हैं इसलिए हमारी बॉडी नहीं बनती। तो मैं सच बताऊँ मैं बहुत ही फूडी हूँ, मतलब सब कुछ खाऊँ मैंने, ठीक है सारी चीज़ खाऊँ। तो मैं उन्होंने देखा भाई आप मेहनत के आगे सब झुक जा है, मेहनत के आगे सब चीज़ झुक जावे। तो मैं वही चीज़ बताऊँगी, मेहनत करो तो आप कुछ भी खाओ कुछ भी करो, जो भी बढ़िया चोट हुआ खास कर उनके लिए, ठीक है बहुत फूडी रहे। तो बस आज को जब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी हम जगह निकलते हैं, सुबह को टाइम हो चुका है, 6 बजे को टाइम है, घर वाले इनको गाली देने का समय मेरा। सुबह के टाइम प्लॉट पर जाऊँगा, पापा देगा गाड़ी, पर फिर भी कोई दिक्कत ना जाएगा। अपना एक आध भैंस को दूध काट का, आज की मावस है और होते कार्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो निकलते हैं, चलते हैं, मिलते हैं आपसे जरूर, बाय। तो भाइयों प्लॉट पा लिए, ठीक है, जैसे कंधा में चोट है तो आवाज जितने कॉम वोम इतना खास होगा भी नहीं, पर जैसे कि मावस है आज की। और कमेंट में बताना किस किस का मावस बना है, मावस वाले दिन खीर किस किस के बना है। गुजरन के तो मोस्टली समन के बनती होगी, पर फिर भी ठीक है। तो जैसे कि मावस है अपना दूध दूध लेके जाएंगे, अकेले पता चलेगा ना, खैर किसी चेला पकड़ के लेके जाऊंगा। ये अपना बढ़िया धन बन रहा है, ठीक है, मतलब मावस वाले दिन हम किसी जो है ना दूध नहीं देते, जो भी हमारे ग्राहक है दूध वाले किसी दूध नहीं देते, मावस वाले दिन सारा दूध घर ही रखे है। ये भी एक ट्रेजेडी है। तो चलो यहाँ जी के तलीगढ़ का अपना है, थोड़ा सा कॉम है वहाँ कॉम करके फिर अपना जिम पे को चलेंगे, पर सारी अपडेट आप देते रहेंगे। पहले फूपर ओम लाल तभी जाके यहाँ तो मिलना है, वहाँ तो मिलेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं। तो भाई ये फूफा दौरा आ चुके हैं, फूपर ओम लाल कॉम सिरोरा पर रह 16 पत्ते पर। मैं कंधा में चोट आ गया, मैं कहाँ मल्लम पट्टी करूँ अब, कंधा में चोट लग गई कल जोर करती बेर पर। कि मल्लम पट्टी को बता कुछ ना बोल दो, गर्म पानी में बांध के और निचोड़ के वहाँ पैर से बांध के लपेट के अच्छे साफ की लौट जा। नू तो सिकाई करी मैंने रात क्या की आप आज, अब प्लास्टर लगाया हो कंधा में, बढ़िया काम कर रहा है, प्लास्टर लगाया गया चौहर अच्छा कई तेल बना रहे वक्त दिखता भी साफ पीसी भी कई तेल बना के वहाँ पूरे वो तो ही पौड़ी में घेर के और फिर जब निचोड़ने लायक निचोड़ के और वह निवास है हम छटका के और ऊपर कट्टर लपेट के लिए और वह सो जगह बहन से नमक हल्दी लगाया गया ना कुछ नहीं, नमक तो पौड़ी में घेर के नमक पौड़ी में घेर लुआ। चलो भैया फूफा ने बताइए थोड़ी सी कंधा की सिकाई, वहाँ भी करवाऊंगे लड़की देख फिर कैसे फिट, अरे अब ठीक ठाक फिट हो थोड़ा, दर्द हो रहा हूँ हाथ ठा रहा हूँ ना, दर्द हो रहा हो जा झटकोट का लग जा जो लगा ले ज्यादा वही चीज तो करूँगा अब जाया करूँ। तो मित्रों हाँ हाँ
यहाँ से जाएगा थोड़ा सा एक बार हो रहा बाबा दो बार कर गए निचोड़ के अच्छा खूब के निचोड़ के और उसकी तय बना के अच्छा कई तय और घर कंधा पर जो है सिकाई करवाया गया फिर लपेट के कत्तर ऊपर कर लो वही कौन करूँगा तो आज जाएगा भैया अपना करेंगे कंधा की भी क्योंकि वो जरूरी है। अच्छा चोट है उक्का भी नहीं पियो जा रहा दर्द हो लग रहा हो तो फिर भी कोई दिक्कत ना हो भाई मार्केट खींच देंगे तो मार्केट खींच देंगे। अब चले हैं चल के थोड़ा सा काम करना है काम करके घर सबसे बढ़िया चीज है वही चीज़ करूँगा फूफा फिर करते हैं मिलते हैं तुम तो जल्दी है जिम तो आज लेट ही जाया जाएगा जिम लेट जाया जाएगा मावा सा होते काटनी है खीर वीर बनवाया के होते काट के जब कहीं जिम जाया जाएगा लेट जाऊंगा। चलो तो मिलते हैं तो भाइयों जिम पर आ चुके हैं ठीक है। आज जो मेरे जो ये दो स्टूडेंट हैं इनको वर्कआउट में आप नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इनको वर्कआउट में थोड़ा सा यूनिक करवाने वाला हूँ ठीक है। वह वर्कआउट मैं आप जब शेयर करूँगा कि जब आप या वीडियो पे 100 कमेंट या ब्लॉग पे 100 कमेंट तक ऊपर और 4-5 हज़ार व्यूज़ आ जाएंगे तो इनको जो मैंने इंटेंस वर्कआउट आज मैं करवाने वाला हूँ उसे आपके लिए शेयर करूँगा। बाकी टेंशन मतलब जिम का वर्कआउट आप दिखाऊँगा जैसे मैंने आप बताया मेरे शोल्डर में इंजरी होगी ठीक है तो वर्कआउट जो होगा अपर वर्कआउट तो होने तक है ठीक है लेग्स को और कोर को वर्कआउट होगा तो इसको मतलब आप पता है क्या होने वाला है मेरे सिक्स पैक्स निकलने वाले हैं ठीक है क्योंकि वर्कआउट मैं छोड़ूंगा ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा तो आप इंटेंस वर्कआउट दिखाते रहूँगा अपनों ब्लॉग में भी या फिर मैं अपने जो रील में रेगुलर डाल रहा हूँ अपने जंक फूड चैलेंज में उसमें भी आप दिखाते रहूँगा। तो अभी मैं थोड़ा सा वॉक करके आया हूँ थोड़ा लंबे बात है ठीक है अब करेंगे वर्कआउट लेग्स को ठीक है। और मैं तुम्हें बात बताऊँ मैं स्क्वाट स्क्वाट मारता नहीं हूँ मैं नॉर्मली अपने बैठक अंत मैंने मतलब थोड़ी बहुत मशीन अंत इन तक बाकी मेरी जो थाई बनी पड़ी है मेरे अखाड़े में ही थाई बन गई जब अखाड़े में प्रैक्टिस कर रहे हो होते ही थाई बन गई ही जब मारे 800-800 पौन 500 1000 1000 बैठक मारे तो उनमें ही मेरी थाई इम्प्रूव होगी वो जिम में मैं कह लूँगा कि मैंने जिम में थाई बनाई है तो ऐसा नहीं है मेरी मतलब बहुत टाइम पहले तक ही थाई अच्छी ही ठीक है बल्कि मैं थाई ज़्यादा बढ़ाऊँ हूँ क्योंकि मेरा राग लग जा राग को मतलब समझो ना फिर जोंग बीच में डर लगे नूँ और फिर ख़राब हो जा मामला। तो वर्कआउट में आज आप दिखाते हैं कि जो मैं थाई को और जो भी मैं इंटेंस वर्कआउट करने वाला हूँ कोर वगैरह सारी चीज़ तो कम से कम 7-8 दिन तो 8-10 दिन तो लेगा यार कंधा मेरे शोल्डर 8-10 दिन तो लेगा यार रिकवरी होने में। तो मैं आप आज को भी हर मतलब हर व्लॉग में दिखाते रहूँगा जो मैंने वर्कआउट करवाए वर्कआउट मतलब व्लॉग में ना हो तो फिर रील में दिखाते रहूँगा आप देखते रहो। और किसी भाई के कभी इंजरी हो जाए तो आप ये चीज़ें कर सकते हो जाती है हाथ में उंगलियां में जिस कहते हैं चोट वोट लग जा तो आप ये वर्कआउट कर सकते हो फिट रहोगे ठीक है। तो चलते हैं करते हैं वर्कआउट बढ़िया ठीक है थाई का वर्कआउट चल रहा है भाई देखो बढ़िया रिजल्ट आ रहा है देख सकते हो आप है ना। तो भाई ये पहला वर्कआउट करेंगे हम जैसे शोल्डर में ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे सकता तो पहले करेंगे थाई का वर्कआउट मतलब फ्री स्क्वाट मारेंगे 200-250 ऐसे क्या तो भाई हमने 200 फ्री स्क्वाट करके करेंगे हम थाई प्रेस करेंगे या मशीन पे 100 किलो वेट लगा लियो है तो 150 या 100 रेपिटेशन निकालनी है 25-25 करके 4 सेट ठीक है। देखो तो भाई इसी के साथ बस वेट इसी पे मारना बस थोड़ी सी मूवमेंट मतलब मूवमेंट चेंज करनी है देखो मूवमेंट देखो
यो मूवमेंट कर लेनी है पैरों की सुमो स्क्वाट में, ठीक है। इसके भी 25 25 रैप निकालने, 4 सेट हो जाने हैं इसके भी। तो भाई उसी के बाद हम सीधा करेंगे लंजेस, ठीक है। पैर ऊपर रख के यो सपोर्ट ले जा, तो सपोर्ट ले लो, ठीक है। जैसे मैंने हाथ से सपोर्ट ले रखी है, ठीक है। दोनों पैर से मारने हैं चेंज करते करते, और यहाँ भी ले सकते हो। अब आप देख सकते हो थाई सीजन निकालो साइड का, ये थाई को रिजल्ट है आज मैंने अभी तक जो एक एक्सरसाइज और रह रही मेरी, ठीक है। आप थाई को रिजल्ट फोकस करिए कैमरा मैन, बढ़िया तो थाई को रिजल्ट है आज का, ठीक है। तो भाई एक और चीज़, ठीक है, जो कि मैं तुम्हें बात बताऊँ, हमारी थाई तो बड्डी हो जावे, ठीक है। मेरी थाई बड्डी हो जावे जितना करूँ, बस कटिंग सी नहीं आती। जो ये मसल है ना, यू मसल नहीं आ रही थाई की। यो आ चुकी है, यो आ चुकी है, ये एक मसल रहना है, हो यू नहीं आ रही। तो इसी के लिए हम जो है ना यह वाली एक्सरसाइज करेंगे, रेपिटेशन निकालने, कितनी भी निकालो, 25-25 के मतलब कम से कम 250 मार दो इसे, ठीक है। जिसके भी पैर बड़े हुए हैं कटिंग नो पैर में, एक नंबर को रिजल्ट आया होगा ऐसे के। शोल्डर में भी पेन हो रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब मैं तुम्हें बात बताऊँ ना, ऊपर को नहीं उठ रहा हूँ, तो हाथ उठा रहा हूँ, नो नहीं उठ रहा पूरा, बाकी मूवमेंट हल्की नीचे की मूवमेंट तो ले रहा है और ऊपर नहीं उठ रहा। तो चलो थाई का वर्कआउट हो चुका कम्प्लीट, अब 2-3 एक्सरसाइज पेट की, क्योंकि तुम्हें बताई जैसे मैंने कोर करेंगे मजबूत। तो भाई कोर में करेंगे हम ईच साइड ये एक्सरसाइज, ठीक है। साइड ज्यादा हो ना, साइड ज्यादा हो, देखो मेरा साइड बहुत कम है, 100 किलो के वेट के मुताबिक बहुत कम है साइड। तो ये साइड करने को बहुत एक नंबर की एक्सरसाइज है, और अपने भाई पीटी सीटी बढ़िया ओके। तो भाई पेट की बहुत दिन बाद एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। दो ही एक्सरसाइज करूँगा, अदरवाइज नहीं तो पेट बहुत ज़्यादा दर्द करने लगेगा मेरा। दूसरी एक्सरसाइज अपनी करेंगे यहाँ है, यहाँ के भी चार पो सेट लेंगे, है ना। इसके भी अपना 4-5 सेट लेंगे, ज़्यादा नहीं, 20-20, 25-25 के बस, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं खीर और पूरी खा के आया हूँ, तो कभी चूतड़ ना फट जा, चूतड़न को भी बहुत मतलब पेट में दर्द उर्द ना हो जावे, है ना। तो चलो मिलते हैं, राम राम। वर्कआउट इतना तगड़ा करवा दिया है, वर्कआउट की वीडियो में डालूंगा नहीं, कि बंदे टेढ़े हो चुके हैं और मैं अभी तक कर रहा हूँ। ओढ़ थोड़ी ना हो जाएगी भाई, ओढ़ होनी ही नहीं, गुजर तो गुजर ही है। ये वर्कआउट हो चुका कंप्लीट, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया स्वाद आया है करके, है ना। क्योंकि अपर में ज़्यादा मेरी ऐसी तैसी हो, क्योंकि थाई बड्डी है तो थोड़ा सा स्वाद भी थाई में बहुत ज़्यादा आया है, पर जिम में मैं इतनी थाई करूँ ना हूँ। अरे एक स्क्वाट यहाँ मार लो, मार दो, जो मारा ना भारी भारी स्क्वाट वहाँ भी ना मार दो। मैं जो एक दुख या चीज़ को भी एक चैलेंज दिया हो सिंगा को, मैंने अभी रेपिटेशन करी ही 12-50 के डंबल, मतलब 15 रेपिटेशन करी 50 के डंबल, तो करनी 20 हो जाती बहुत जल्दी, ठीक है। बेंच 170 पे मतलब 190 20 किलो ही तो मारनी फालतू, वहाँ भी कर देते, पर अब
इंजरी होगी तो थोड़ा लंबो समय लग जाएगा। सबसे ज़्यादा दुख तो यह चीज़ को है कि जो मैं चीज़ का कह पाए हो नहीं पाएगी, पर करूँगा ज़रूर। जिद्दी तो भाई जिद्दी है और गुजर तो गुजर ही है, अड़गे तो अड़गे, ठीक है। वह चीज़ें भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात ना हो। देख जीवन है, जब तक जीवन है तो संघर्ष है, ठीक है। तो अब यहाँ कर चलते हैं घर को जंक फूड में। जैसे आज हम पिज़्ज़ा को ट्राई करेंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, ठीक है। पैसा अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है मार्केट से, तो चलो चलते हैं, मिलते हैं भाई। तो भाई जैसे माओस रहे तो एक कॉम और दे रहा कॉम वो घर में, ठीक है। वो कम से कम 1.5-2 घंटा हो गए, 2-3 घंटा हो लिए पूरे। यू खोआ बन रहा है चूल्हे पर, जो कि हर का ये नसीब न हुआ। ये चीज़ होममेड है, ठीक है। 3-4 घंटा में आपको भून के दूध को खोआ बनाए, हर मतलब हर माँ उसको बनावे हम यार, है ना। जितने मावस रहे ना, हर मावस को अपना दूध घना बच जाता हो, वहाँ खोआ बना के और आप खाएंगे खोआ के लड्डू। यू भी एक राज है मेरी बॉडी को ना, तगड़े होने को। और कमेंट में बताओ किस किस का खोआ बने हैं, बनाया कि ना बनाए। बाकी जो मतलब जिनके डेयरी होएगी भैंस वैस तरीके तो होंगी, उनका ही बन सके है वो। और तो बाकी पॉसिबल है ही ना भाई साहब, मतलब जिम पे तो आया क्या, अब मोर 1.5-1 घंटा हो गए अब बैठे बैठे, है ना। पर कोई दिक्कत नहीं है, खाओ पियो ऐस करो मौज करो, इसी चीज़ के पैसे है वरना सब हमारे जैसे हैं, है ना। राधे जी भी साथ में, राधे जी है से हाय करे ही ना, बोले नो खाली भाभी बोलो ही ना, सीखो जन कह सके सिस्टम है। तो जब यू खोआ पूरा बन जाता है, मैं तुम्हें आके कंडीशन दिखाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा। हाँ चमचन हाथ गर्म हो जा कर तैयार, तपत लग रही है चूल्हे की, कर तो रहे हो पसीने में। एक एक्सरसाइज तो मैं जिम में कर रहा है, दूसरी एक्सरसाइज भी हो रही है। चलो मिलते हैं या कर ले यार, ठीक है। बाकी गच मार की टच। सो भाइयों उठ लिए हैं सो के, पिज़्ज़ा विज़ा खा के बढ़िया नींद आई है, ठीक है। तो यहाँ जो तो उठ कर चलते हैं भी आपने, मन कर रहा है एक हुक्का पीने पे, एक चिल हुक्का पियेंगे, ठीक है। फिर देखते आगे की कार्रवाई क्या है, जानो प्लॉट पे भी है, मतलब प्री वर्कआउट लेना है। प्री वर्कआउट मेरे बताऊँ कैसा है, मेरे प्री वर्कआउट है मेरे पापा जो कि मो गाड़ी दे गए, मतलब पुशअप करे मो। तो जा रहे हैं अब, पहले एक चिलम हुक्का पीते हैं, फिर अपना चलते हैं प्लॉट पर चलते हैं, फिर अपना वही डेली रूटीन जैसे कि अखाड़े पर अखाड़े का वर्कआउट यहाँ पे दिखाते हैं बढ़िया, और इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक दो बालकन तक बढ़िया बढ़िया। आजकल थारो भाई ब्लॉग पर छा रहा है सही, आप सही सपोर्ट कर रहे हो, तो कई बाड़ा के भाई हमें भी ब्लॉग में ले करो, हमें भी ब्लॉग में ले करो, तो ठीक है। उन भाइयों तो भी आप मिलाते हैं, ठीक है। वैसे सोते ही मतलब जैसे सो जावे हैं ना खा पी के एक्सरसाइज करके, तो भाई साहब बॉडी बहन जो देखे भाई, आप देख रहे होगे, देखो अपर चेस्ट कितने पंप कर रही है बढ़िया, है ना। एक नंबर की पंपिंग आ रही है, लाइट कितना लगा लो कैसे भाई साहब, देखो ट्राइसेप्स चेस्ट, है ना बढ़िया, मतलब एक नंबर का स्वाद आ रहा हूँ या टाइम बॉडी में, ताकत हो रही है अल्टीमेट बढ़िया। तो अब चलते हैं जी, कहते हैं पहले पीते हैं एक चिल मुक्का, फिर जाते हैं अखाड़े की तरफ ना, पहले फिर पहले पहले तो प्लॉट पर जाना ना, पापा की गाली सुनना है, फिर उसके बाद चलते हैं प्लॉट पर, ठीक है। बाकी प्लॉट पर जाने से पहले एक गिलास दूध, जो कि मेरा आ चुका है दूध, तो मैं दिखाऊँ मैं है, देखो जितनी बेर उठो उतनी बेर दूध पियो बहन, जो ताकत मर चीज है ना। जितनी बेर मैं बाहर जाऊँ हूँ और बाहर तो भीतर आऊँ हूँ घर, उतनी बेर मतलब एक गिलास दूध रहे मेरा ना परमानेंटली, कुछ भी खाऊँ कुछ भी ना खाऊँ एक गिलास दूध। भाई साहब जब भी तो टिक रहे हम, जब भी तो इतनी प्यारी बॉडी हो रही है, देखो है ना, टेल्ट वेल्ट चेस्ट अपर चेस्ट शोल्डर। तो चलो मिलते हैं गच, जो कड़ा कुक्का वर राखो मो गुबाई, नहीं नहीं बाल करने बिगाड़ उठे मेरे बाप तोड़ दे रहे हो। हेलो बंदे, सुबह सांझ हुक्का भर के पियाता हूं मो, ऐसा भी ऐसे फूफा है काहे के।
भाई नन्ने जोन से हो तुम सेंडी नो मैं पेड़न जी को ये आके हमारे गांव में फंस गए। अरे बाद इन तो जी गए, जी का गए, चल तो माइनस में ही रहो। ले ले आ चुके हैं प्लॉट पे अपने धंधे को। ए पापा कहाँ चाहिए भाई? बुलेट की चाबी ले रखे, घूमने घूमने बाहर जाएगा हैं? अभी लेके चलूँगा तो बाहर पकड़। मैं ले जा रहा हूँ। नो कौन जाऊँ अब, चले हैं घर को? चले कुत्ते से मेरी ऐसे कोई ड्यूटी है ना, बस इसे लाने और ले जाने की ड्यूटी है यहाँ से। क्या शाम के टाइम मैं दूध नहीं काटता, बस सुबह के टाइम दूध काट कर अपने भैंस वैसे नुवाऊँ है। ठीक है तो देखो अभी आके ड्रॉ में देखना ना। बुलेट के दौर भग रहा है इतनी स्पीड देना। देखो ए कितनी स्पीड से जा रहा है। तू जा बुलेट गरम है ना, ये गरम होता है सिलेंसर। ठीक है हाँ बैठा रहा हूँ, रुक जा दूर है भाई। अखाड़े पा गए हैं, अखाड़े की एंट्री तो होने से पहले देखो यू अपना मंदिर है, जैसे पहले भी बुलाए मैंने व्लॉग में दिखा रखा है। बहुत ही पीस मतलब शांति मिले हैं हम जाके ना, मन की शांति जब मुझे चाहिए रहे तो मोस्टली मैं अकेलो भी आया गया हंस के बैठ जाऊँ। अपना मंदिर बढ़िया, पर यह पेड़ देख के गोंड फटे, पर बाबा का दरबार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, है ना। और तो मैं अभी दिखाता हूँ, मैं अखाड़ा हंस के तो ही एंट्री भी हैगी अखाड़े की। ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी, मंदिर बहुत जोर का, पेड़ वेड़ ओके ओके सब बढ़िया। अपना पानी वानी की तगड़ी सुविधा है, अगर किसी भाई आना होए प्रैक्टिस करनी होए तो आ सकते है। फुल बढ़िया ग्राउंड बना रखा है हमारे गांव के एक जो बलराम सिंह तवर है, उन्होंने ये ज़मीन अलाउड करवाई ही, जाको बहुत फ़ायदा उठा रहे हम। यू अपना भाई अखाड़ा है, हनुमान जी की मूर्ति, और यू पूरा बड़ा ग्राउंड है जहाँ वॉलीबॉल का भी ग्राउंड है, और यू मैट है, हम बालक प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप है धोरे जाके दिखाते हैं। ठीक है अखाड़े में बालकन की मेहनत चल रही है बढ़िया मैट पे, ये असोला को ओलंपिक ले गएंगे ये ना। नमस्ते, बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है बालकन की। ये पाँच पाँच छः छः साल के बालक है, ऐसे बड़े बड़े भी आएंगे, बड़े बड़े मल्ल युद्ध हम जगह चालू हो रखे है। बढ़िया बालकन की प्रैक्टिस हो रही है भाई। गुरु खलीफा तो खैर सही है। भाई तो भाई जैसा आपने भी देखी होगी वीडियो में, कंधा में आ गई चोट, क्योंकि मेरा पहले भी कंधा लिकड़ा पड़ा हो, अब जोर करती बेर पवन थे तो फिर यहाँ में चोट लग गई है। अब डर तो यह चीज़ को जो मैंने यू 30 डेज को जंक फूड चैलेंज अभी पूरा होएगा कि नहीं होएगा, कैसे होएगा कैसे नहीं, तो फिर भी कोई दिक्कत ना करेंगे, आप सपोर्ट करते रहो। तो मित्र का जन्मदिन है भाई, केक लेना आए हैं, ये भाई केक देगा तो कोई खावे नो है। ठीक है सब बिगाड़े हैं तो सारे कोई ठस्से से को केक दे दो, कोई कई महीने को पुराना पड़ो हो तो ठीक है। अरे ढंग से केक दे देगा, 2 किलो को 1 किलो वाला दे दे, खावे को तो है खैर कोई है, ये वाले दे दे, दिखाते भी हाथ में
फटफटे को जन्मदिन कंधा में दर्द हो रहा घनी जोड़ता है, पर क्या करा है अगले ने इनवाइट करो तो भाई जाना पड़ेगा, फिर घर जाके करेंगे क्या आइसिंग कंधा की। तो भाई बंदे का जन्मदिन लिखा है ना हमें ना BSDK लिख दे हटा दे छोटे हटा दे दोनों मिल के मैं हटा दूँ मोटरसाइकिल है। बहुत बढ़िया जॉब लग गो मेरे बुलेट तेनों कैसे चल रहा चैलेंज भाई जॉब लग गो चैलेंज आज या खाएंगे BSDK है ना। अरे आपको जन्मदिन है आपको देखो आपको जन्मदिन तो यूरो केक ना बुरे गणो बुरा रो ला भाई हैप्पी बर्थडे भी भाई हैं वैसी मजबूरी की होगी करवा चौथ ना आई।